देश में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं मॉनसून सीजन में बारिश ने तबाही मचाई हुई है तो कहीं भगवान के नाम पर चल रहे सत्संग में भगदड़ मच रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। यह हादसा हाथरस जिले में सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित गांव फुलराई के पास हुआ था, जहां नारायण साकार विश्व हरि के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी थी, जबकि इजाजत सिर्फ 80,000 लोगों की थी। सत्संग समाप्त होने के बाद वहां निकलते समय भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। पोस्टमार्टम हाउस में शवों के ढेर लगे हुए हैं। आखिर कब और कैसे बिगड़े हालात? जिस वक्त मुख्य प्रवचनकर्ता सूरज पाल उर्फ भोले बाबा अपनी गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से निकल रहे थे, तभी दोपहर करीब 2 बजे श्रद्धालुओं ने बाबा की गाड़ी के गुजरने के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया। कार्यक्रम स्थल से निकल रही लाखों श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ के दबाव के कारण नीचे बैठे झुके श्रद्धालु दबने कुचलने लगे और चीख पुकार मच गई। महिला, बच्चे एवं पुरुष दबते कुचलते चले गए। कुछ ही देर बाद लाशें बिछ गई। उधर बाबा मौके से निकल गए। उनके सेवादारों द्वारा कोई मदद नहीं की गई। इस हादसे की जांच में पता चला है कि बाबा जहां पैर रखता है उस मिट्टी को भक्त पवित्र मानते हैं। मान्यता है कि उस मिट्टी को घर लाने से सारे कष्ट दूर होते हैं। महिलाएं इसे आंचल में बांध देती हैं। बाबा के मार्ग में रंगोली सजाई जाती है। उस रंगोली के रंग से मिली धूल को भी महिलाएं अपने पल्लू में बांध देती हैं। सालों से यही परंपरा चली आ रही है। इस चमत्कारी मिट्टी के चक्कर में लोग उमड़े थे और फिर भगदड़ मच गई। सामने आई ये बड़ी जानकारी, महिलाओं की हुई सबसे ज्यादा मौत। इस हादसे में 121 लोगों ने जान गंवाई है, जिसमें 7 बच्चे और 1 पुरुष को छोड़कर मरने वाले सभी महिलाएं हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में महिलाओं को रोते बिलखते हुए देखा गया है। दूर दराज के देहात इलाकों से महिलाएं सत्संग में शामिल होने पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।